हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुड़ की मसाला चाय। चाय वैसे भी सभी की फेवरेट होती है, बट अक्सर लोगों की यह शिकायत होती है कि गुड़ वाली चाय जो होती है वो फट जाती है। तो इस वीडियो में हम यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। गुड़ की चाय को बनाने में थोड़ी सी ट्रिक लगती है, और वो ट्रिक क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वैसे तो गुड़ की चाय सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बट इसमें हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी, जिससे आपको सर्दी खांसी में भी काफ़ी आराम मिलेगा। वैसे तो सभी को पता ही है कि शुगर के कंपैरिजन में जो गुड़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, तो क्यों ना चाय में चीनी यानी कि शुगर की जगह पर हम गुड़ का यूज़ करके इसे सेहतमंद बनाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध। इस रेसिपी में मैं 2 कप चाय बनाने वाली हूँ। अब इसको हमें बॉईल करना है, तो इसको मैं साइड वाले बर्नर पर शिफ्ट कर देती हूँ और इसको बॉईल होने देंगे। अब एक दूसरा बर्तन लेके इसमें मैं डालूँगी 1 कप पानी। आप चाय और पानी का रेशियो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप दूध के लिए 1 कप पानी लिया है, क्योंकि पकाते टाइम जो पानी होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती। इसको बॉईल होने देंगे। जब तक हम इसमें डालने के लिए कुछ मसाले लेते हैं, तो यहाँ मैंने लिया है 3-4 काली मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 लौंग, 2 हरी इलायची और 5-6 तुलसी के पत्ते। इसको मैंने वॉश करके लिया है। तुलसी के पत्तों को छोड़कर बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल के कूट लेंगे। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, साथ ही ये चाय के टेस्ट को भी बढ़ा देते हैं। देखिए ये कूट गया है। अब हम इसको चाय के पानी में डाल के इसको बॉयल होने देते हैं। साथ ही मैंने 2 चम्मच गुड़ लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जो गुड़ होता है उसमें मिनरल्स और हल्का सा सॉल्ट भी होता है, तो जब हम चाय में डायरेक्ट इसे डालते हैं तो वो दूध को फाड़ देता है, इसलिए गुड़ को हमें लास्ट में ही डालना है। अब हम ये 4-5 तुलसी के पत्ते जो लिए हैं उसको इस तरह से तोड़कर डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से बॉयल होने देते हैं। सर्दियों में गुड़ का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। गुड़ ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है और विटामिन मिनरल इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए गुड़ का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिए, गुड़ की चाय को हमें कभी भी दोबारा गर्म नहीं करना है। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बनानी है हमको। जो हम नॉर्मल शुगर वाली चाय बनाते हैं उसको हम दोबारा गर्म करके पी सकते हैं, बट अगर गुड़ की चाय को हम गर्म करेंगे तो उसके फटने के चांसेस होते हैं। गुड़ का सेवन करने से हमारी हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचता है, इसलिए खासकर वुमेंस को ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। देखिए चाय का पानी बॉयल हो गया है अच्छे से, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इधर ये मिल्क भी बॉयल हो गया है, इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे और तैयार है गुड़ वाली चाय। इसको अब हम छान लेते हैं। इस चाय में हमने लौंग, काली मिर्च, तुलसी, इलायची डाली है, तो ये सर्दी खांसी में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो इसको सर्दियों में ज़रूर बनाएं। ये गुड़ की गुड़ों वाली चाय, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और यकीन मानिए इस तरीके से बनाएंगे तो चाय आपकी कभी नहीं फटेगी। ये गुड़ की चाय आप ज़रूर ट्राई करें और शुगर को गुड़ से रिप्लेस करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।